সভাপতি আমার জেলার সম্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয়, হাইড্রো প্ল্যান্টেশন মহোদয়, আমার এভিটার অধ্যক্ষ মহোদয় তথা জ্যেষ্ঠ পরিচালক উপ পরিচালক মহোদয়, टीम के मेंबर बन के आए हैं तो देखा जाएगा कि जो विश्वनाथ का टीम है वो कितना ज्यादा हावी होते हैं लखीमपुर के खिलाड़ियों के ऊपर। जी हाँ, पर या यहाँ पर पास लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, इसके कारण आउट के स्वयं मिलेगा और स्वयं देंगे विश्वनाथ एफ सी के खिलाड़ी जैसे 15। यहाँ पर ड्रॉइंग जैसे नंबर 3 के लिए जैसे नंबर सेवन 10 जो है काफी बड़े नामी दामी जर्सी फुटबॉल स्पोर्ट्स के नजरिए से देखे तो काफी बड़े जर्सी नंबर होते हैं। जर्सी नंबर 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जर्सी नंबर है तो काफी बड़ा नाम फुटबॉल का। और 10 नंबर जर्सी की बात करें तो लियोनेल मेसी, जर्सी नंबर 10 पे उतरते हैं मैदान पे तो जो खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 के आरसी लिमर फुटबॉल ट्रॉफी का फाइनल मैच पे उतरे हैं तो वो उनका ही शायद बड़े फैन होंगे या तो उनको आइडल मान के फुटबॉल पे वो अपना प्रदर्शन दे रहे हैं तो आज भी ऐसा प्रदर्शन उनसे उम्मीद होगा दर्शकों को कि आज प्रदर्शन दे और सुनिमर फुटबॉल ट्रॉफी का चमचमाता हुआ ट्रॉफी लेकर जाएगा। यहाँ इसी बीच बढ़िया काउंटर अटैक बनाती हुई लखीमपुर की टीम, लखीमपुर की बात करें तो वो 5 गोल दाग चुकी है सेमीफाइनल पे, यानी कि सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम सुनिमर फुटबॉल ट्रॉफी 2022 का लखीमपुर एफसी। फिर से मौका लखीमपुर एफसी जर्सी नंबर 8 और यहाँ पर पास देते हुए जर्सी नंबर 12 के लिए, लेकिन आउट के चलते थ्रो इन मिलेगा। जी हाँ, आउट के चलते थ्रो इन, बढ़िया यहाँ पर जज वो खेल को ना चलाई हो ऐसा कोई शायद कोई प्ले ग्राउंड ना हो विश्वनाथ पे। जी हाँ, बढ़िया शॉट और पहला गोल दागने वाली जी हाँ पहला गोल दाग चुके हैं लखीमपुर एफसी। लेफ्ट फुट शॉट, एक बढ़िया पोजीशन से शॉट और सटीक शॉट, शॉट्स ऑन टारगेट, बिल्कुल पता नहीं चला गोलकीपर को, सीधे गोलकीपर के अंदर जाके नेट को टच करते हुए गोल। विश्वनाथ के जो दर्शक है वो खामोश, लेकिन जो लखीमपुर के दर्शक है लखीमपुर के सपोर्टर्स है काफी ज्यादा फुर्ती पे नजर आई और तालियों से स्कोर को सेले निकल आएगा मैदान पे। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, पहला गोल दाग चुके सुनिमर फुटबॉल ट्रॉफी सीजन नंबर 9 का फाइनल मैच का पहला गोल दाग चुके लखीमपुर एफसी। व्हाट अ गोल, लेफ्ट फुटेड शॉट, ऐसा गोल देखने लायक गोल होता। जी हाँ, दूसरा गोल यहाँ पर देने जा रही लखीमपुर एफसी जर्सी नंबर 11, लेकिन ऑफसाइड पकड़े गए हैं, ऑफसाइड पकड़े गए हैं खिलाड़ी जर्सी नंबर 11। एक गोल कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं तो इसी के चलते वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2-3 गोल दाग के बढ़त बनाए, क्योंकि आप फाइनल के मैच खेल रहे सुनिमर फुटबॉल ट्रॉफी का फाइनल मैच।
बड़ा नाम है श्री लेवल फुटबॉल ट्रॉफी। एक तरह से नाम कहा जाए तो थोड़ा सा कम ही होगा शायद, एक ब्रांड बन चुका है स्विंग लेवल फुटबॉल ट्रॉफी। उनका आज सीजन नंबर 9 का फाइनल मैच आमने सामने पड़े लखीमपुर बनाम के एस एफ सी विश्वनाथ। ये जो खिलाड़ी है जांच नंबर 3 यहाँ फिर से यहाँ पर संकट को देखते हुए, जी हाँ फिर से एक बढ़िया पास यहाँ पर जर्सी नंबर 9 के लिए, बढ़िया पास जर्सी नंबर 9 का, लेकिन उनके निजी खिलाड़ी को ढूंढ नहीं पाए और जर्सी नंबर 9 फिर से अपना हुनर दिखाते हुए भारत के पहाड़ से आके भारत पर यहाँ पर उनका प्रदर्शन देते हुए तो वो खिलाड़ी को कम नहीं आ सकते। फिर से मौका जर्सी नंबर 8 और बढ़िया शॉट लेकिन ऑफ टारगेट शॉट। स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने के लिए अनुरोध करते हैं। हम जानते हैं ये फाइनल आपको आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा मैच होगा, लेकिन अपने जीवन को रिस्क ना लेके ये मैच देखें। दर्शकों से अनुरोध है स्विंगमैन फुटबॉल ट्रॉफी 2023 यानी सीजन नंबर 10 भी आ रहा है, तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो हमारे स्टेज के ऊपर से लखीमपुर की ओर से व्हाइट जर्सी पर उतरे हैं लखीमपुर एफसी और ब्लू जर्सी पर उतरे हैं विश्वनाथ एफसी। जी हाँ बढ़िया हेडर यहाँ पर विश्वनाथ के निजी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, लेकिन कोई खिलाड़ी ना मौजूद होने के कारण पोजीशन गवाई। जी हाँ जर्सी नंबर 7 यहाँ पे बढ़िया से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे स्विंग और फुटबॉल ट्रॉफी के जो ऑर्गेनाइजर है जो ऑर्गेनाइज करते हैं इस टूर्नामेंट को, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और दर्शक जो है काफी ज्यादा तादाद पे आते हैं, दर्शकों के बारे में और स्विंग लेवल फुटबॉल ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब विश्वनाथ हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे, कनेक्ट कीजिए प्लीज। सर अकमेद कथा पाते सर अपना निजर डिस्ट्रिक्ट एक इमान डांगर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ सर अपना कैनक लगे अपना मतामत जानव विचार হয় বৰ ৰোমাঞ্চকৰ খেল হৈ আছে দুটা টীমৰ মাজতে, কিন্তু মোৰ অলপ দুখ লাগি আছে এতিয়া মোৰ যিহেতু মোৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লখিমপুৰ, কিন্তু মই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে এতিয়া মই বিশ্বনাথক ছাপোৰ্ট কৰোঁ নে মই লখিমপুৰক ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই দুমোজাত পৰিছোঁ। যি কি নহওক যোনে মানে জিকক বা যোনে হাৰক, কাৰণ যিহেতু দুটাই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এতিয়া মই উপায় নাই যোনে জিকে তেখেতক অভিনন্দন জনাম, আৰু বা যোনে হাৰে আৰু তাৰ প্ৰতি মোৰ কিবা অন্তৰত কিবা এটা থাকিব আৰু উপায় নাই আৰু এইটো। এনিৱে ভাল লাগিছে ৰমেশৰ, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা খেল দেখিছোঁ। আমি কলেজৰ সময়ত বৰদলৈ ট্ৰফি চাইছিলোঁ গুৱাহাটীত, তেতিয়াৰ পৰা আমি বিশেষ এনেকুৱা খেলবোৰ উপভোগ কৰিবলৈও নাপাওঁ। যিহেতু আজি যথেষ্ট আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ আহিছে দেখি ভাল লাগিছে, বহু বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা খেল উপভোগ কৰিছোঁ, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। উপায় নাই আৰু যিহেতু দুটাই মোৰে টীম, এতিয়া মোৰে ল'ৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু, কোনোবাই হাৰিলে কোনোবাই জিকিব দুটাকে বুজাব লাগিব আৰু, উপায় নাই। স্যার অলপ স্যার এই আমার অর্গানাইজার যেহেতু অর্গানাইজ করেছে সুইং ইভেন্ট ফুটবল ট্রফি, তেখেতের এক অলপ জানিও বিচারি ইমান ডাঙর টুর্নামেন্ট যেহেতু অর্গানাইজ করেছে আপনার ডিস্ট্রিক্টত, আপনি এইটো বিষয়ে অলপ কই দিব স্যার। নয় মই অর্গানাইজ আমার মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছে, তেখেতে আমার এই ফুটবল কমিটির প্রেসিডেন্ট বলে মই গম পাইছো, মই বিধায়ক মহোদয় মই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। তেখেত এনেকুৱা এটা ফুটবল টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছে যত আমার ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ, এইটো আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত, মই বিশ্বনাথতো তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পোৱা নাই, বিশ্বনাথ সমষ্টিত বা ওপৰতো তেনেকুৱা পোৱা নাই। মই আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনবোৰতো এনেকুৱা ৰোমাঞ্চকৰ খেলবোৰ আমি চাবলৈ পাই থাকিম।
मैं অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ সকলো সদস্য সকলকে মই ধন্যবাদ জনাইছো এই খেলটো আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু আপোনাক জনসাধাৰণক এটা আমাক চান্স দিছে উপভোগ কৰিবলৈ মই সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার সিনিয়র লেভেল ফুটবল ট্রফি पर हाजित हो गांधी बता सर हमें तक धन्यवाद ज्ञापन करीछु आपो एबार अंतिम मैच यहां पर आज खेला जा रहा है विश्वनाथ के एस एफ सी विश्वनाथ बनाम लखीमपुर एफ सी के बीच जम्मी जी का यह टूर्नामेंट सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं जम्मी जी का एक बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है दर्शक इंतजार करते हैं कि कब सिनेमा फुटबॉल ट्रॉफी स्टार्ट हो और कब मैच देखने को मिले आज इस जो सिनेमा फुटबॉल ट्रॉफी सीजन नंबर 9 का जो खुद चेयरमैन है इस टूर्नामेंट का तो हम उनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे बिहारी के एमएलए सर रंजीत दत्त सर हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे দি পেলাই খেলা চাই যে মানুহৰ খেলাৰ প্ৰতি কিমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইয়াত যে খেলা মানুহে কিমান ফুটবল খেলা ভাল পায় এইটো এইটো প্ৰমাণ আমি দেখা পাওঁ আৰু ভাল উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হৈ আছে আৰু আমাৰ যিসকল আয়োজক এই খেলা পাতিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ লগত ডেইলি তেওঁলোকৰ যোগাযোগ হৈ থাকে যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল কি যে ইয়াক আমি দৰ্শকৰ কাৰণে ইমান আসন আমি বনাই দিব পৰা নাই ইয়াৰ বাঁহৰ গেলেৰী লৈ পেলাই ইয়াক মানুহে খেলা চাইছে এইটো এটা ইয়াৰ বেলেগ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে বাঁহৰ গেলেৰী ইয়াত পাতি পেলাই খেলা চাইছে গতিকে আমাৰো দায়িত্ব আছে যে চৰকাৰে আমাৰ ষ্টেডিয়ামবিলাক বনাবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আহিছে ইয়াত আজি খেলা চাবৰ কাৰণে আমাৰ এছ পি ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ হেড অফ প্লেণ্টেশ্যন আমাৰ নগৰৰ আমাৰ প্ৰতাপৰ তেখেত আহিছে আমাৰ মিজিকা চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক তেখেতো আছে ইয়াত যথেষ্ট ভি ভি আই পাই মানুহ আমাৰ ইয়াত দেখা পাইছোঁ ইয়াত সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে গতিকে ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে প্ৰায় 3 বছৰ আমি খেলা পাতিব পৰা নাই এতিয়া ক'ভিড আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে মানুহৰ উৎসাহ পুনৰ ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম কাম হ'ল কি এই ষ্টেডিয়ামখন আমি সুন্দৰভাৱে বনাব লাগিব মই জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো আমি কথা পাতিম আৰু কি উপায় আমি ইয়াত ষ্টেডিয়ামখন একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নহ'লেও মানুহৰ যিটো আনুষংগিক যিটো আমাৰ মানুহৰ আনুষংগিক যিটো আমাৰ আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই আমাৰ মেনেজমেণ্ট আমাৰ जी हाँ काफ़ी जो सपोर्टर्स है वो जो अल्ट्रा बास होते हैं वो बास कम से कम 25-30 बस लेके लखीमपुर से यहाँ तक का सफ़र करके आए हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए तो उनका जो सपोर्ट का क्रेज जो उनका टीम का क्रेज जो है फुटबॉल का क्रेज जो है वो उसी से पता चलता है कि लखीमपुर का टीम काफ़ी बड़ी टीम काफ़ी बढ़िया सपोर्ट उनको करते हैं काफ़ी बढ़िया प्यार देते हैं सिनेमा लेवल फुटबॉल ट्रॉफी के दर्शक भी तो आज थोड़ा सा विश्वनाथ के प्रेशर रहेगा कि एक वन ऑफ द फेवरेट टीम ऑफ सिनेमा लेवल फुटबॉल ट्रॉफी के साथ आप खेल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा हम बोलते चलते यहाँ पर फ्री किक मिलेगा फ्री किक लेंगे जी नहीं हैंड बॉल के चलते नहीं शायद फाउल पकड़ा गया और फाउल के चलते फ्री किक मिलेगा विश्वनाथ एफसी को और विश्वनाथ एफसी के जैसे नंबर 3 का शॉट लेंगे यहाँ बढ़िया यहाँ पर शॉट और बढ़िया हेडर और फिर से बढ़िया इन यहाँ पर लेकिन गोलकीपर के दस्तानों पर आसान सा ये जो गोल कीपिंग की बात करते हैं तो ये जब 9 वर्ष के थे तभी ऐसे गेंद को पकड़ते थे अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो ऐसे गेंद को छोड़ेंगे नहीं काफ़ी एक्सपीरियंस गोलकीपर है काफ़ी नाम है उनका लखीमपुर और विश्वनाथ पे भी और आसाम जैसे कई डिस्ट्रिक्ट है जो जिन पे वो जाके
अपना हुनर को दिखा के आए हैं। तो गोलकीपिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया गोलकीपर है लखीमपुर के। अभी तक का जो उनका गोल कंसिड करने का रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक गोल खाए हैं लखीमपुर इस पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक गोल खाए हैं लखीमपुर जी। नहीं समा कीजिए, शायद एक गोल भी नहीं खाए जी। रिकॉर्ड हम उठा के देखें तो एक भी गोल अभी तक कंसिड नहीं किए हैं। तो ये काबिल तारीफ पर कड़िया यहाँ पर काउंटर अटैक बनाने की कोशिश था, लेकिन हल्का सा शॉट गोल शॉट पे इतना जान नहीं था कि वो गोलकीपर को फेर के स्कोर तक जाए। 50 नंबर टैन कप्तान खुद मौजूद है और बढ़िया पास यहाँ पर 50 नंबर 9 के लिए, यह बढ़िया शॉट लेकिन गोलकीपर उनका भूमिका जो है गोलकीपिंग का वो बखूबी निभाते हुए। उनका हाइट वेट पे ना जाए, उनका फिटनेस पे ना जाए, उनका जो खेलने का तरीका है वो देखिए काबिल तारीफ। यहाँ पर गोल कीपिंग वो जो गोल उनके गोल कीपिंग का भूमिका वो काफी बढ़िया था, तो लेकिन काफी बढ़िया अनबिलीवेबल लगभग 100 मीटर से गेंद को अकेले खुद दौड़ा के लेके गए और लखीमपुर के खिलाड़ी, हम जार्सी नंबर जानना चाहते हैं लखीमपुर के खिलाड़ी जार्सी नंबर 8 नोट कर लीजिए इस खिलाड़ी को, मार्क कर लीजिए इस खिलाड़ी को, जार्सी नंबर 8 लखीमपुर, लखीमपुर के खिलाड़ी जार्सी नंबर 8 काबिल तारीफ, काबिल तारीफ आउटस्टैंडिंग है। पर गोल प्राप्त हुए दो तीन डिफेंडर को भेद के लखीमपुर एफसी के जार्सी नंबर 8 काफी डिस्टेंस लेके जाते हुए गेंद को और सीधा जो नतीजा था, नतीजा निकलने वाला था, वो नतीजा को फाइनल नतीजा निकाल के लेके आए जी। हाँ फिर से कोशिश विश्वनाथ के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन पोजीशन गंवाना पड़ा विश्वनाथ को और स्केल्स दिखाते हुए लखीमपुर एफसी जी। हाँ यहाँ पर लखीमपुर एफसी की बात करें तो वो आउट ऑफ असम से खिलाड़ी लेके आए, भारत के ही खिलाड़ी है। पहला येलो कार्ड शायद, यहाँ पहला येलो कार्ड लेते हुए शायद जी। नहीं यहाँ पर एक सबसे पहले मैं असनीय जनप्रिय एमएलए साहब संजय दत्ता साहब का धन्यवाद, उन्होंने इसका लीडरशिप में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, धन्यवाद दत्ता साहब। उसके बाद हमारे प्रेमी पिछी साहब, राजकी साहब हेड ऑफ प्लांटेशन जो अपना कीमती समय निकाल के इस टूर्नामेंट के लिए आए, और समस्त अतिथिगण और खेल प्रेमी आज जी सर मुझे दर्शक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद के दर्शक आते हैं स्विमिंग में फुटबॉल ट्रॉफी पे, तो उसका शायद कुछ स्पेशल रीजन होगा सर, शायद ये तो हमें पता नहीं सर, आपको अगर पता हो तो बता दीजिए प्लीज। मेरे ख्याल से मिनिमम 30,000 से 40,000 दर्शक होने चाहिए, कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर वृक्षों के ऊपर भी चढ़े हुए हैं जी वो भी हम देख पा रहे हैं, कुछ गेट पे पड़े हुए, कुछ पेड़ों पे चढ़े हुए, चारों तरफ देख रहे हैं। बहुत ही उत्साह है विजय मैदान में फुटबॉल के प्रति श्रमिकों और जब के वो हमको यहाँ भारी तादाद में भीड़ से मालूम चलता है कि उस खेल के प्रति बहुत ही आकर्षण है सबका जी। हाँ जो फुटबॉल ट्रॉफी का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल क्रेज फुटबॉल का क्रेज बहुत अच्छा है, और फाइनल हुसल का अगर फाइनल हुसल आ जाता तो उनको पता चल जाएगा कि लखीमपुर यहाँ पर स्विमिंग मेल फुटबॉल ट्रॉफी का जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो अपने हित लेने वाली है। दर्शकों को यही उम्मीद और लखीमपुर के जो सपोर्टर्स है वो ढोल नगाड़े के साथ हमारे मैदान के चारों ओर अगर आ रहा सर वो दो सीने से पीछे चल रहे थे सुना
वो बात खेल में आगे का दुर्भाग्य है, नहीं तो अच्छे कोई प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, अगर कोशिश करें तो अभी भी समय बचा हुआ है सर, अभी भी समय है, बदल सकता है। नहीं तो कहते हैं ना ऑलवेज नेक्स्ट टाइम अगली बार देखेंगे लखीमपुर को। जी हाँ, जी हाँ सर, धन्यवाद सर हमारे साथ जो। धन्यवाद धन्यवाद। राष्ट्रीय पर्यात खेल सूझ पाई तो इतना बंद हो जथेष क्षतिकारक मैं इतना करपक्ष आसे मैं अनुरोध जनाव बागाना फुटबल खेल जथेष शौकीन आसे जान खेल उत्साह तो आसे कि आगते जेनेगर बगिचा फल सा सूझा दी मैं आज मेजिका जान सब बगिचा সকলো সুবিধাখিনি বা সহযোগ করার কারণে যথেষ্ট মানে খেল এই ধরনের পাতিব পাইছে। মই ভাবিছো অন্যান্য বাগিচাবিলাকো তেনে ধরনের সুবিধাবিলাক পায় তাকে আশা করছি। আর ইয়াত দর্শকের উৎসাহ দেখি পেলায় মই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়েছো, কারণ মই বহু জায়গায় ফুটবল খেলা দেখিছো কিন্তু এনে ধরনের বাগিচা আছে এনে ধরনের উৎসাহ ইমান দর্শকের খেলকুদ দেখা নাই। ইয়াত দেখিছো টেম্পোরারি গ্যালারি বনাই পেলেও বছর ঘরের উপর গাড়ির উপর থাকিও খেল মানে প্রদর্শন করেছে। ইতিমধ্যে আমি যেহেতু গণতন্ত্র ক্রীড়া হিসাবে আছো, আমার ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতার সভাপতি তথা আমার বিধায়ক মহোদয় কৈছে যে সরকারও খেলার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিছে আর এনেকে খেলার মাজের পরাই খুব ধুনিয়া খেল ওলাব আর রাজ্যিক পর্যায় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়লে ওলাব। আজি যাতে দেখা পাই যথেষ্ট প্রায় খেলোয়াড়কিটা খুব ধুনিয়া খেল প্রদর্শন করেছে আর থোড়ি দের পেলে হওয়া থা বিশ্বনাথ जर्सी नंबर 8 यानी कि वो जो जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो इंडिया को भी प्रतिनिधित्व करके आए हैं तो उनके पास भी एक्सपीरियंस होगा काफी ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल जर्सी नंबर 10 और मरिया सागर जी नहीं गोलकीपर की जो भूमिका वो डिफेंडर जाके अदा करे। काबिले तारीफ यहाँ पर मिला विश्वनाथ की टीम से। और विश्वनाथ की बात करें तो होम ग्राउंड पे खेल रही है तो उनको काफी ज्यादा अनुभव होगा इस मैदान के बारे में। और हमारे बीच मौजूद है हमारे बड़े भैया अमित कुमार दादा। हमें देखा तो लोग कमरा बंद हो देखा था हमारे बहुत आवर पर जड़ित हो ऐसे सीन लेवल फुटबॉल ट्रॉफी और देखा था बहुत ही निजाम हमारे ट्रॉफी भी है। हमें সময় জানো বিচারি আমার অডিয়েন্স যেহেতু যেহেতু কোভিড 19 আহিছিল আমার মাজত সেইটো তার আগত যিমান অডিয়েন্স আহিছিল তাতকৈ বেছি অডিয়েন্স আমি ক্রম ইয়াৰ মাজত আমি জয়ে বুঝে গেছো লক্ষীমপুর ফুটবল একাদশ চিলিমান ফুটবল ট্রফি সিজন নম্বর 9 ৰ খিতাপ জয় হবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি ভৱেন দাৰ লগত কথা পাতি আছো उपस्थित है